Namaste and welcome back to my channel. And first of all, happy Mahashivratri to each one of you जो भी महाशिवरात्रि celebrate कर रहे हैं. और मेरा आज का ये video मैं आपके साथ share करने वाली हूँ lip liners, Wet n Wild के lip liners के swatches and review. So Wet n Wild एक ऐसा brand है जो कि 2 months पहले ही India में launch हुआ है. पहले इससे पहले India में Wet n Wild के कोई भी products नहीं मिलते थे, but अभी Wet n Wild के थोड़े बहुत products India में मिलने लगे हैं. Nykaa.com पे आपको कुछ products available होंगे. सो मैं आज आपके साथ Wet n Wild के लिप लाइनर्स के स्वाचेस और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि इस तरह से दिखते हैं. और इसमें 6 कलर्स अवेलेबल होते हैं, मेरे पास सिर्फ 4 ही है. सो गाइस, Wet n Wild के जो लिप लाइनर्स है वो आपको 135 रुपीज में रिटेल करता है. एंड इसकी जो वैलिडिटी है वो है 3 ईयर्स के लिए. एंड प्रीटी श्योर की इसे आप इतनी जल्दी खत्म नहीं कर पाओगे. अब इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं. ये इस तरह से दिखता है. ये इतना 18 सेंटीमीटर बड़ा पेंसिल मिलेगा आपको. और इसकी जो कैप है वो ट्रांसपेरेंट है, आप बहुत ही इजीली इसे इस तरह से ओपन कर सकते हो. और ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है. एंड नेक्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि इसके साथ कोई शार्पनर अवेलेबल नहीं होता है. तो हम जो नॉर्मली हमारे पेंसिल को जो हम पेंसिल से लिखते हो, पेंसिल शार्पनर से हम इसे शार्पन कर सकते हैं. या फिर ऑनलाइन बहुत सारे अलग अलग किस्म के शार्पनर्स अवेलेबल होते हैं, आप उन सबको भी चेकआउट कर सकते हो अपने लिप लाइनर्स के हिसाब से. एंड और एक बात, जिस तरह से आपको ये पेंसिल का कलर दिख रहा है, ये अभी आपको ब्लैक दिख रहा होगा, बट इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राउनिश है. तो 2-3 शेड्स ऐसे हैं जो पेंसिल पे दिए गए हैं वो सेम कलर नहीं है, और 2-3 कलर्स ऐसे हैं जो कि जो पेंसिल के ऊपर दिया गया है वो सेम कलर है. तो गाइज, आपको बार बार इसे शार्पन करने की जरूरत नहीं है. इसकी जो लीड है वो नॉर्मल हमारी पेंसिल की तरह ही है, जिस तरह से हम लिखते हैं उस पेंसिल की तरह ही है. तो इसीलिए आपको बार बार शार्पन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इसे 5 to 6 यूज के बाद वापस से शार्पन कर सकते हैं. सो गाइज, किसी भी लिप लाइनर की ये खासियत होती है कि आप उसे 3 तरह से यूज कर सकते हैं. तो Wet n Wild को भी आप 3 तरह से यूज कर सकते हैं. पहला है कि हम हमारे लिप्स को सिर्फ आउटलाइन करें और इसके ऊपर कोई भी अलग तरह की लिपस्टिक लगा ले. एंड सेकेंड इसके आप अपने होठों को इससे आउटलाइन दे एंड फिर इससे ही अपने लिप्स को फिल कर ले एंड उसके ऊपर कोई और लिपस्टिक लगा ले. सो गाइस, जो थर्ड एप्लीकेशन है उसके लिए आप अपने पूरे लिप्स पर पहले आउटलाइन कर ले और इससे ही अपनी पूरी लिप्स को फिल कर ले, और आपको इसके ऊपर कोई और लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और मैंने अभी मेरे लिप्स पर ये Wet n Wild का फैब फुशिया ही अप्लाई किया है. और आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने कोई मैट लिपस्टिक या नॉर्मल जो लिक्विड लिपस्टिक होती है वो अप्लाई किया है, बट नहीं, मैंने ये लिप लाइनर को ही एज ए लिपस्टिक यूज किया है और ये बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहा है. ये हो गई लिप लाइनर और पैकेजिंग की बात. तो अभी हम मेरे पास जो 4 लिप लाइनर्स अवेलेबल है उसके स्वाचेस देख लेते हैं. सो गाइज, अभी इसके टेक्सचर की बात कर लेते हैं. ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है आपके लिप्स के ऊपर. ये बहुत ही इजीली, अगर आपके लिप्स के ऊपर कोई भी पिगमेंटेशन है तो उसे कवर कर लेगा आपके लिप्स के ऊपर. बहुत ही इजीली ग्लाइड हो जाएगा, बहुत ही इजीली लग जाएगा, इवनली लग जाएगा. बट 15 to 20 मिनट्स के बाद ये लिप्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा सा आपके लिप्स को ड्राई कर लेता है. और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये लिप लाइनर लगाने से पहले अपने लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट कर ले. और अगर एक्सफोलिएट ना हो सके तो अपने लिप्स पर हमेशा ये लिप लाइनर लगाने से पहले अपने लिप्स पर हमेशा लिप बाम अप्लाई करें और उसके बाद ही लिप लाइनर अप्लाई करें. अभी हम ये लिप लाइनर के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात कर लेते हैं. तो पहले प्रोज देख लेते हैं. ये जो लिप लाइनर्स है, मुझे ये लिप लाइनर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल लगते हैं, जो कि 135 रुपीज में बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है. एंड ये आपके लिप्स के ऊपर बहुत ही सॉफ्टली और स्मूथली लग जाता है. मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लिप लाइनर की ये लगी कि ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है. ये स्मज प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है एंड ये वाटर प्रूफ है. एंड इसका जो फॉर्मूला है वो आपको 2 to 3 आवर्स तक बहुत ही इजिली लास्ट करेगा. सो ये थे इसके प्रोज, और अभी इसके कॉन्स की तरफ देख लेते हैं. सो इसका जो कॉन्स है जो मुझे नहीं पसंद आया वो है कि इसके साथ आपको कोई शार्पनर नहीं मिलता. तो आई होप कि अगर इसके साथ कोई शार्पनर मिला होता तो और भी ज्यादा अच्छा होगा. और इसका जो कैप है बहुत ही इजीली ओपन हो जाता है, तो ट्रैवल फ्रेंडली नहीं होता. अगर ट्रैवल फ्रेंडली होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता. सेकेंडली, मैं Wet n Wild वाले से बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ही लिमिटेड कलर्स में अवेलेबल है. आई होप कि आप इसे और कलर्स में अवेलेबल कर सके, क्योंकि ये सिर्फ 6 कलर्स में अवेलेबल है, जो कि 2-3 कलर्स ऐसे है जो कि इंडियन स्किन टोन के ऊपर
ज्यादा सूट नहीं होते. सो गाइज आई होप आपको ये जो वीडियो था, ये जो रिव्यू एंड स्वाचेस थे लिप लाइनर्स के ऊपर, वो आपको पसंद आया हो. ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एटलीस्ट एक बार इसे ट्राई देना चाहिए, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे रिपर्चेज कर सकते हो. और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिए. ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो. आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको कौन सा फेवरेट शेड था. और मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. उसके बाद ही मुझे बेल आइकन से प्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको मेरे वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलेंगे. एंड मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्राइडे. टिल देन टेक केयर एंड बाय.